बच्चों, आज हम लोग पांचवी कक्षा की सरस भारती पुस्तक में से U3 के सिलेबस में से एक पाठ करेंगे। पाठ का नाम है चावल की रोटियां। जो चावल की रोटियां पाठ है बच्चों, ये एक नाटक है जिसका एक मंच पे मंचन हो रहा है। कुछ बच्चे हैं, वे इस नाटक को खेल रहे हैं, तो ये इसलिए नाटक है। इसका नाम है चावल की रोटियां। तो इसमें कुछ पात्र हैं जिनका मैं आपको परिचय देना चाहूँगी। पात्र होता है जो एक नाटक में भाग लेते हैं, जो किसी नाटक में कोई ना कोई जिनका काम होता है, कोई ना कोई भाग होता है, और जिनके आसपास जो हमारा जो नाटक है वो आगे बढ़ता है। तो इस नाटक के पात्र हैं, सबसे पहले जो मुख्य पात्र है वो है कोको। उसका नाम कोको है। वह 8 साल का एक लड़का है। उसके बाद और दो लड़के हैं, निन्नी और तीनसू। निन्नी 9 साल का है, तीनसू 8 साल का है। ये दोनों ही, निन्नी और तीनसू, दोनों ही कोको के मित्र हैं, उसके दोस्त हैं। एक और है, एक लड़की है मिम्मी। मिम्मी जो है वह 7 साल की लड़की है और वह भी कोको की दोस्त है। एक और व्यक्ति है उबातुन। तो जो उबातुन है वह जनता की दुकान का एक प्रबंधक है। तो इन्हीं के इर्द गिर्द जो हमारा नाटक है वो वह घूमता है। तो बच्चों, इस नाटक के लिए आप लोग अपने ही कक्षा के बच्चों को ले सकते हो। किसी भी 2-3 लड़के आपको चाहिए, एक लड़की चाहिए, और साथ में जो उबातुन है उसके लिए आपको एक थोड़ा लंबा लड़का चाहिए होगा, जिसकी आप दाढ़ी मूछ लगा के उसको चश्मा पहना दीजिए, तो वो दुकान का आपको प्रबंधक बन जाएगा। ठीक है बच्चों, मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि किताब में ये पाठ जो है थोड़ा लंबा है, तो अगर हमारे पास समय बहुत सीमित है, हम पूरा पाठ नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए मैं आपको इस पाठ का सारांश बताती हूँ। ठीक है बच्चों, तो एक दिन एक लड़का है कोको, जिसका नाम है, वह क्या करता है, सुबह सुबह वह उठता है। तो जब वह उठता है तो वो अपने कमरे में जब जाता है, वहाँ पे वो जम्हाई लेता है, यानी इसको इंग्लिश में योनिंग कहते हैं, हा करना। जब हमें हा आती है तो उसको हम लोग इंग्लिश में योनिंग कहते हैं, हिंदी में कहते हैं जम्हाई लेना। तो वहाँ पे जब भी नाटक होता है तो वहाँ पे एक मंच दिखाया होता है। तो इस घर के मंच पे क्या है, यहाँ पे एक कमरा है, कमरे में एक अलमारी रखी है, अलमारी के ऊपर रेडियो है, अलमारी के ऊपर रेडियो के साथ ही एक गुलाबी कलर का गमला भी रखा हुआ है। ठीक है, और कमरे में कुछ चटाइयाँ बिछाई हुई हैं और वहीं पे एक छोटा सा नीचा मेज रखा हुआ है। ठीक है, तो जब वो कमरे में आता है तो उसके माता पिता दोनों काम के लिए चले गए होते हैं। अब वो घर में आता है और कहता है कि माँ और बाप मेरे पिताजी है ना, दोनों तो काम पर चले गए, अब मुझे ही घर की देखभाल करनी पड़ेगी। तो अब कहता है, पहले मैं देखूँ कि माँ ने मेरे लिए बनाई क्या है, खाना क्या बनाया है, नाश्ता क्या बनाया है। जाकर अलमारी खोलता है, अलमारी में उसकी माँ ने चावल की 4 रोटियाँ बना के तस्तरी पर रखी होती हैं। बड़ा खुश हुआ कोको कि वाह, ये तो मेरा पसंदीदा खाना है, चावल की रोटियां। तो बड़ा खुश होकर रोटियां लेके वे खाने के लिए जैसे ही नीचे बैठता है, एक रोटी उठाता है, मुंह में डालता है, तभी दरवाजे पर दस्तक पड़ती है, ठक 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 ठक। तो जैसे ही दस्तक पर पड़ती है, कोई दरवाजा खटखटाता है, तो पूछता है ये कि कोको पूछता है कौन आया है, तो कहता है कि मैं तुम्हारा दोस्त निन्नी आया हूँ। तो निन्नी उसके घर पे आया होता है। अब कोको सोचता है कि अरे, अगर ये आ गया तो मेरी रोटियां तो खा जाएगा, इसलिए वो क्या करता है कि अपनी रोटियों को छुपा देता है। अब वो छुपाता कहाँ पर है, वो अपने घर के अलमारी के ऊपर जो रेडियो रखा है उसके पीछे वह रोटियां छुपा देता है। अब रोटियां छुपा, फिर वो दरवाज़ा खोलता है तो अंदर निन्नी आता है, पूछता है कि कोको तुमने दरवाज़ा खोलने में इतनी देर क्यों लगाई। तो वह झूठ बोलता है, कहता है कि मैंने अभी नाश्ता किया और फिर मुंह हाथ धो रहा था। तो वो झूठ बोलता है ताकि उसकी रोटियां जो हैं वो उसको बांटनी ना पड़े। तो निन्नी कहता है कि मुझे तुम्हारे घर पे रेडियो पे समाचार सुनना है, जो हमारी परीक्षा की सूचना देगा वो समाचार आने वाला है।
यहाँ पे फिर कोको को झूठ बोलना पड़ता है। फिर से झूठ बोलता है, कहता है कि रेडियो को हाथ मत लगाना, वह करंट मारता है। हाँ, तो अब वो ये कहता है, तो निन्नी कहता है ठीक है फिर मुझे सूचना तो सुननी है, तो ऐसा करता हूँ मैं टिंसू के घर चले जाता हूँ। वो चले जाता है, फिर से दरवाज़ा बंद करता है कोको, और फिर से रोटियाँ लेके जैसे ही खाने लगता है फिर से दरवाजे पे दस्तक पड़ती है, ठक 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 ठक। और जैसे ही दस्तक पड़ती है फिर से उस वो जगह ढूंढता है कि मैं अपनी रोटियां कहाँ छुपाऊं, कहाँ छुपाऊं। देखता है नया गुलदस्ता पड़ा है, गुलाबी कलर का, खाली है, रोटियां उठा के उसी में छुपा देता है। अब रोटियां छुपाता है, जाता है, दरवाजा खोलता है, देखता है उसकी मित्र मिम्मी आई होती है। मिम्मी जो छोटी सी लड़की है 7 साल की, वो आई होती है। तो मिम्मी कहती है कि तुमने दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों लगाई। तो फिर से झूठ बोलता है कोको, फिर से वही उत्तर देता है, कहता है कि मैंने बहुत ज्यादा नाश्ता कर लिया, उसके बाद मैं मुंह हाथ धो रहा था। तो मिम्मी कहती है अभी मुझे बाहर तुम्हारी माताजी मिली थी और वे कह रही थी कि उन्होंने 4 चावल की रोटियां बनाई हैं। तो कहती है कि हम लोग वो रोटियां खाते हैं। तो फिर कोको झूठ बोलता है, कहता है कि नहीं मैंने तो सारी रोटियां खा ली हैं, मेरा पेट जो है वो बहुत ज्यादा भर गया है, अब मैं कुछ नहीं खा सकता। तो वो मिम्मी को गुस्सा आता है, कहती कि बहुत गलत बात है, कोई भी चीज़ हो हमें बांट कर खानी चाहिए, अकेले नहीं खानी चाहिए। अब मिम्मी की मम्मी उनकी माताजी उसको केले के पापड़ देती हैं। तो कहती है कि मैं तो केले के पापड़ लेकर आई थी, मैंने सोचा था कि हम दोनों चावल की रोटियां और केले के पापड़ जो हैं वो बांट कर खाएंगे। कहती है कोई बात नहीं, तुमने तो खा लिया, तुमसे नहीं खाया जाएगा, मैं खा लेती हूँ। और फिर वो कोको से चाय मांगती है, चाय के साथ पापड़ खाने लगती है। अब कोको को लग रही थी भूख, और भूख के मारे उसके पेट में गुड़गुड़ गुड़गुड़ की आवाज़ आ रही थी। अब जब उसके पेट से गुड़गुड़ की आवाज़ आ रही थी तो उसको डर लग रहा था कि कहीं मिम्मी सुन ना ले। लेकिन मिम्मी सुन लेती है, मिम्मी कहती है ये आवाज़ कहाँ से है, मुझे लगा कि तुम्हारे पेट से गुड़गुड़ की आवाज़ आई। तो कोको कहता है कि नहीं 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 ये मेरे पेट से नहीं आई है, कल हमारे घर में एक चूहा घुस गया था, तो उसी चूहे वही चूहा जो है ये आवाज़ कर रहा है। तो मिम्मी अपने पापड़ और चाय के साथ पापड़ लेती है, तभी दरवाजे पर फिर से दस्तक होती है, ठक 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 ठक। तो मिम्मी कहती है कि तुमने बहुत खाना खा लिया है, तुम आराम करो, मैं जाके दरवाज़ा खोलती हूँ। और जब वे दरवाज़ा खोलती है तो उनका मित्र टिंसू आता है। टिंसू अपने हाथ में गेंदे के फूल का एक गुच्छा लेकर आता है, और उसको बुला के बिठाती है मिम्मी। तो टिंसू को भी पापड़ और चाय खिलाती है वो। तो टिंसू कहता है कि मेरी माताजी ने तुम्हारी माताजी के लिए फूल भेजे हैं, तो इनको गमले में लगा दो। तो मिम्मी उससे फूल लेके जैसे ही लगाने लगती है, कोको बीच में चिल्ला पड़ता है कि नहीं 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 नहीं, क्यों? क्योंकि उसने तो गमले के अंदर रोटियां छिपाई हैं, और अगर मिम्मी जाके उसमें फूल रखेगी वो रोटियां देख लेगी, और इस तरह से कोको का झूठ पकड़ा जाएगा, है ना। तो वो कहती है कि अरे तुमने तो मुझे डरा दिया इस तरह से करके। तो वो कहता है कि मेरी माता जी को, मेरी मम्मी को फूलों से, गेंदे के फूलों से एलर्जी होती है। कहता है कि उनकी फुंसियाँ निकलने लगती हैं, मुंह पे और पूरे बदन पे फुंसियाँ निकलने लगती हैं। तो कहता है कि नहीं नहीं ये फूलों को गुलदस्ते में मत लगाओ, एक और झूठ बोला उसने। उसके बाद तभी उनके पड़ोस के जो उबातुन है, जो कि जनता के दुकान के प्रबंधक हैं, उनका प्रवेश होता है। वे अपने हाथ में एक नीला फूलदान लेकर आते हैं, और वह कहते हैं कि कोको कल तुम्हारी माताजी मेरे से एक गुलाबी कलर का फूलदान ले गई थी, जबकि उन्हें नीला चाहिए था। कहते हैं कि मेरी दुकान में तब नीला फूलदान था नहीं, इसलिए मैंने उनको गुलाबी दे दिया। कहते हैं कि अब मेरी दुकान में नीला फूलदान आ गया है, तो मैं ये उन्हें देकर गुलाबी फूलदान लेने आया हूँ। अब इस समय, इस वक्त कोको के पास कोई बहाना नहीं बचता, और उबातुन क्या करते हैं, नया गुलदस्ता रख के उसकी रोटियों वाला गुलदस्ता उठाकर ले जाते हैं। अब वो मन ही मन अपने आप को कोस रहा है, उसको बहुत गुस्सा आ रहा है कोको को, क्योंकि उसकी चावल की एक भी रोटी नहीं बची। उसको एक ग्राही, जिसको हम निवाला कहते हैं,
तो वो भी खाने के लिए नहीं मिला। वो चाह रहा था कि मैं चारों रोटियां अकेले खाऊं, परंतु उसके चक्कर में वह एक रोटी भी नहीं खा सका। तो ये हमारा नाटक है बच्चों, आप लोग भी इस नाटक को अपनी क्लास में इसका मंचन कर सकते हो, संवाद के साथ कर सकते हो, तो उससे हमारी बोलचाल जो है की भाषा जो है उसमें भी सुधार आता है। तो इस ये जो नाटक है इससे हमने ये देखा कि जैसे कहावत है, पुरानी कहावत है कि अगर हम एक झूठ बोलते हैं तो उसको छुपाने के लिए हमें 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। इसी प्रकार यही बात हमारे मुख्य पात्र कोको के साथ हुई, जिसने अपनी रोटियों को बचाने के लिए एक नहीं कई बार झूठ बोला, है कि नहीं। तो इसलिए बच्चों सबसे पहले तो झूठ बोलना ही नहीं, ठीक है, क्योंकि अगर एक बार झूठ बोलोगे तो वो झूठ, एक झूठ को बचाने के लिए आपको हजारों झूठ बोलने पड़ेंगे। दूसरी बात, अपनी कोई भी चीज़ हो अपने मित्रों के साथ सबके साथ बांटकर खाओ, यही हमने इस कहानी से सीखा, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा आज का जो ये नाटक है चावल की रोटियां यहीं पर समाप्त होता है। आप सबका धन्यवाद, जुले।